और चलिए अब एक बड़ी खबर की बात करते हैं बाड़मेर से, जो इस वक्त मिल रही है। सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी पर असामाजिक तत्वों ने जानलेवा हमला किया है। इससे उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए हैं और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। सांसद की गाड़ी पर फायरिंग की बात भी सामने आ रही है। हालांकि पुलिस ने फायरिंग की घटना से इनकार कर दिया है, लेकिन पुलिस ने एक हॉकी बरामद की है और 3-4 युवकों को हिरासत में ले लिया है। बाड़मेर सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी ने फर्स्ट इंडिया से बातचीत में कहा कि वे सुरक्षित हैं। आपको ये भी बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में भाग लेकर सांसद सोनाराम वापस बाड़मेर लौट रहे थे। सांसद वहां पर लौट रहे थे उस वक्त ये बात सामने आई है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले जो खास बातचीत हुई है पीके ब्रिजवाल से वो आपको दिखा देते हैं। हमारे साथ कर्नल सोनाराम चौधरी, उनसे बात सर। सर क्या हुआ था? कुछ नहीं, मैं आज चोटन गया था, उधर कोई फंक्शन था, वहाँ चोटन से आगे तो वापिस आ रहा था, तो जहाँ वो निमड़ी से पहले हमने गाड़ी उसको ओवरटेक किया, फिर थोड़ी देर के बाद वो तेज आके ओवरटेक करके गाड़ी हमारे रुकवाने और मारने पिस्टन निकाली और निकाली। तो मेरे थाने गनमैन तो था, वो 5-6 आदमी भरी हुई थी, दारू पी रहे थे, मेडिकल होगा। तो मैंने कहा भैया अभी रुक जाओ, अपन नहीं करें। फिर मेरे गनमैन ने रिंग कर दिया पुलिस को, और उसके बाद में पुलिस आई और यहाँ फिर जिस तरह यहाँ मैं यहाँ जा रहा था, मेरे पर हमला हुआ, पुलिस आ गई, दूसरी आ गई, सब ठीक है। पर जो मुझे बताया गया कि पुलिस वाले पहले भी ये करते हैं, मतलब जो सिटी शीटर है, तो यहाँ होगी वो रिकवर होगी बेचारे औरतों से, पिस्टल लागे फेंकी है, पिस्टल लागे, तो अभी सब ठीक, मैं सेफ हूँ। अब आगे पुलिस जांच कर रही है, पर उनका उनका इरादा ठीक नहीं था, मेरे पे हमला करने का था आज उनका। ये थे कर्नल सोनाराम जिनका साफ तौर से कहना था कि उन पर कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला किया था। बाड़मेर से फर्स्ट इंडिया के लिए पप्पू कुमार ब्रिजवाल। तो जिस तरह से असामाजिक तत्वों ने यहाँ पर हमला किया है और खुद ये कह सकते हैं कि जिस तरह से बात को स्वीकार किया गया है कि ये वाकई जानलेवा हमला उनके तरफ से किया गया था। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता बीके ब्रिजवाल हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। बीके, अगर बात की जाए हिरासत में कुछ लोग आए हैं, अगर पुलिस को प्रारंभिक पूछताछ में क्या पता चल पाया है किस मकसद से ये हमला किया गया था? देखिए मैं आपको बता दूं कि बाड़मेर के एमपी है कर्नल सोनाराम चौधरी, उन पर असामाजिक तत्वों ने हमला किया था। उसके बाद में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2-3 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पुलिस पूछताछ चल रही है। और पुलिस कप्तान जो मनीष अग्रवाल है वो खुद सदर थाना में डेरा डाले हुए हैं, और कर्नल सोनाराम चौधरी है वो भी यहाँ पर है, और समर्थकों की थाने के बाहर काफी भीड़ है। जी जी पीके, पीके जिस तरह से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, देखिए, और कर्नल सोनाराम ने भी एक खुद बात स्वीकार की कि उनकी तरफ से जो हमला किया गया था वो वाकई जानलेवा हमला था। पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? अभी तो देखिए इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस के आला अधिकारियों से हमारी बातचीत भी हुई है, हालांकि एक बात फायरिंग करने की हमारे सामने आई थी, लेकिन पुलिस ने इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं की है। फिर भी जिला पुलिस कप्तान है जो मनीष अग्रवाल, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और उसके बाद में घंटा भर या 2 घंटे में पूरे मामले का पर्दाफाश हो जाएगा। और जो बदमाश वहां पर जो हिरासत में लिए गए हैं, क्या ये स्वीकार कर लिया उन लोगों ने कि उन्हीं की तरफ से हमला किया गया था? देखिए पुलिस ने 2-3 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे एक हॉकी भी बरामद की गई है, एक गाड़ी बरामद हुई है, तो पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है, उसके बाद भी क्लियर हो पाएगा कि आखिर हमला करने का मकसद क्या था। और पीके क्या इसमें कोई जख्मी भी हुआ है जब ये पूरा हमला हुआ था? क्योंकि गाड़ी की पीछे की जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि पूरा शीशा वहां पर टूटा हुआ है, किसी को चोट आई है इसमें? देखिए जो ड्राइवर है उसके मामूली हाथ पे चोट आई है, बाकी जो कर्नल सोनाराम चौधरी है वो सही सलामत है, लेकिन घटना के बाद में जो कर्नल सोनाराम चौधरी के समर्थक है वो काफी आक्रोशित है, और जो सदर थाना है उसके बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और आइए जान करने की कोशिश हो रही है। जी पीके, जिस तरह से आपसे आपकी बात हुई है कर्नल सोनाराम से, हालांकि उन्होंने ये कहा है कि वो सुरक्षित है, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड अगर कोई बातचीत हुई हो कि क्या हाल फिलहाल में कोई रंजिश हुई थी किसी से, या किसी तरह की किसी पर वो शक जाहिर कर रहे हो कि किसी उसने हमला करने की कोशिश की है, ऐसी कोई बात उनकी तरफ से कही गई है? देखिए मैं आपको बता दूं कि पिछले 3-4 सालों में ये कर्नल सोनाराम चौधरी पर तीसरा हमला है, पहले भी 2 बार हमले हुए थे, ये तीसरा हमला हुआ है, तो अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि हमले का कारण क्या रहा है। जी इससे पहले भी जो हमले हुए हैं क्या उसमें पता चल पाया था कि किसने हमला किया है? क्योंकि ये बड़ी चिंता की बात हो जाती है पीके, अगर एक के बाद एक यहाँ पर अगर सिलसिलेवार तरीके से हमला हो रहा है तो यह हो सकता है किसी की साजिश हो जो बार बार ये अंजाम दे रहा है, तो पुलिस की तरफ से क्या पहले जो हमले हुए थे उसमें पता चल पाया था किसने किया? पहले काफी लोग जो नामजद कर्नल सोनाराम चौधरी ने नामजद मामला दर्ज कराया था,
उसके बाद में पुलिस ने कार्रवाई भी की थी, लेकिन पुलिस ने उन आरोपियों का नाम ओपन नहीं किया था। आखिर वो आरोपी कौन थे? इसीलिए कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो इस मामले को लेकर के गंभीर नहीं थी, इसलिए ये हमला तीसरी बार होता है। तो एक जनप्रतिनिधि के ऊपर हमला होता है तो काफी बिल्कुल ये काफी चिंताजनक बात हो जाती है, काफी गंभीर भी हो जाती है कि इतना बड़ा जनप्रतिनिधि है और उस पर अगर बार बार वहां पर लगातार हमले होते हैं, उसके बावजूद भी अगर पुलिस वहां पर सतर्क नहीं है या पुलिस की तरफ से कुछ कहा नहीं जाता है तो ये बड़ी बात हो जाती है। और हमने भी यहाँ पर पीके अभी बात करने की कोशिश की एसपी से, लेकिन वो सामने ही नहीं आना चाह रहे हैं, वो कुछ बताने को ही तैयार नहीं है। तो ये माना जाए कि वहां पर जो कार्रवाई की जा रही है उसमें फिलहाल तक कोई चीज निकलकर सामने नहीं आई है, नहीं तो वो मीडिया के सामने आते अपनी बात रखते। देखिए इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस कप्तान काफी गंभीर है, वो इसलिए बात करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि थाने के बाद जो समर्थक है उनकी काफी भीड़ है, उनसे पीके एक और बात सामने आ रही है। एसपी से जिस तरह से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि मामला अभी तक दर्ज नहीं हुआ है, उसके बाद कार्रवाई होगी, तो इस बारे में क्या कहना? कोई मामला दर्ज करवाया गया है कर्नल सोनाराम की तरफ से? कर्नल सोनाराम चौधरी अभी फिलहाल सदर थाने में मौजूद है और वो एप्लीकेशन दे रहे हैं, एप्लीकेशन देने के बाद में ही आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन जो फिलहाल समर्थक जो सदर थाने के जो बाहर उमड़ रहे हैं उसको देखते हुए भारी पुलिस बल यहाँ तैनात किया गया और एसपी जो मनीष अग्रवाल है वो खुद यहाँ सदर थाने में डेरा डाल रही है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पीके इस पूरी जानकारी के लिए। तो जानलेवा हमला हुआ है, हालांकि हिरासत में पुलिस की तरफ से जरूर यहाँ पर लोगों को लिया गया है। हालांकि पुलिस का ये भी कहना है कि मामला दर्ज होते इस पर और तरीके से भी यहाँ पर जाँच पूरी की जाएगी।